हेलो दोस्तों, गर्भावस्था के टाइम पर डॉक्टर अक्सर प्रेग्नेंट लेडी को ही सलाह देते हैं कि उन्हें हल्की फुल्की एक्सरसाइज और व्यायाम करते रहना चाहिए। कई लेडीज को एरोबिक्स सबसे ज्यादा फेवरेट होती है क्योंकि उसमें ना ही ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है और ना ही घंटों जिम के अंदर वक्त गुजारना पड़ता है। लेकिन जब बात हो गर्भावस्था की तो फिर चाहे वो एरोबिक्स हो या फिर हल्की फुल्की सांस लेकर व्यायाम करना, हमें हर चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नायरा कुछ ऐसी महिलाओं की शंका को दूर करने के लिए अपनी आज की वीडियो लाई हूँ जिन्हें अक्सर ये डर सताता है कि गर्भावस्था के टाइम पर एरोबिक्स कितनी सही है और कितनी गलत। टिप नंबर 1 है, स्विमिंग आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जी हाँ, यदि आप एरोबिक्स यानी कि एक्वा एरोबिक्स करना चाहते हैं तो कई महिलाओं की ऐसी धारणा होती है कि एक्वा एरोबिक्स सिर्फ वही महिलाएं कर सकती हैं जिन्हें स्विमिंग अच्छे तरीके से आती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप भी एरोबिक्स करना चाहती हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी स्विमिंग आए। टिप नंबर 2, तनाव को दूर रखने के लिए। जी हाँ, यदि आपने एरोबिक्स क्लास ज्वाइन करी है तो वहाँ अच्छे अच्छे मूव्स और अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ आपको एरोबिक्स कराई जाती होगी, जिसकी वजह से ना केवल आपका मूड फ्रेश होता है बल्कि यदि आप तनावग्रस्त होती हैं तो बाहर जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद आपका तनाव भी दूर होता है। नंबर 3, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेटर बने और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के पास ब्लड अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो तो आपको एरोबिक्स जरूर करनी चाहिए। टिप नंबर 4, डिलीवरी को आसान बनाने के लिए एरोबिक्स बहुत अच्छी मानी जाती है। जी हाँ, हल्का फुल्का व्यायाम और एक्सरसाइज हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी कई बार बहुत ही ज्यादा तनाव में आ जाती है या फिर चिड़चिड़ी हो जाती है। जब ये बात प्रसव तक पहुँचती है तब ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए एरोबिक्स और हल्का फुल्का व्यायाम प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफी मददगार साबित होता है। डिलीवरी के टाइम पर दर्द का एहसास कम करने के लिए जरूरी है कि आप हल्का फुल्का व्यायाम और एरोबिक्स क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। टिप नंबर 5, पैरों को ओएडोमा से बचाएं। जी हाँ, ओएडोमा एक इस प्रकार की बीमारी है जिसके अंदर पैरों के अंदर खून की बजाय पानी स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। यदि आप एरोबिक्स अच्छे तरीके से करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से होता है और इसी की वजह से पैरों के अंदर पानी भी स्टोर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप इस बीमारी से भी अपने आप को गर्भावस्था के दिनों में बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, हल्की फुल्की एरोबिक्स करने से गर्भवती महिलाएं अपने शुरुआती समय से लेकर डिलीवरी के टाइम तक अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।